दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, तो उन दिनों चूंकि हम लोग गांव में पैदा हुए और गांव के ही स्कूल में गए, तो उन दिनों ऐसा अक्सर होता था कि मोहल्ले में या गली में या स्कूल के सामने कुछ अजीब तरह के साइकिल पर बैठे लोग कई बार पैदल ही आते थे और तरह तरह की मिठाइयाँ बेचते थे। अब चूंकि शहर तो था नहीं, कोई बहुत बढ़िया कस्बा तो था नहीं, छोटा सा गांव था, तो वहाँ की जो मिठाइयाँ थी वो भी अजीबोगरीब थी। उनमें एक मिठाई होती थी हवाई मिठाई, उसको रुइया मिठाई भी कहते थे गाँव में, भोजपुरी में। बहुत सारे लोग जो गाँव के थे उसको बुढ़िया का बाल भी कहते थे, उसके तरह तरह के नाम थे। बाद में लोगों ने बम्बैया मिठाई भी कहना शुरू किया। हो सकता है कि उसका जो बम्बई है, आजकल मुंबई कहा जाता है, वहां से उस मिठाई की शुरुआत हुई हो, ये भी हो सकता है। तो ये जो मिठाई थी वो लाल लाल गोल गोल एक रुई जैसी चीज होती थी और उसमें उसमें बिल्कुल कोई वजन नहीं होता था, बच्चों को देखने में बहुत अच्छा लगता था और जैसे ही मुंह में डालो खत्म हो जाती थी। तो अभी हमारे देश में जो इतनी बड़ी महामारी, पूरी दुनिया जिस महामारी से निपटने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा रही है, तमाम दुनिया के देश अपने जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इस पर खर्च कर रहे हैं। हमारे देश में जो मौजूदा हमारी सरकार है उसने महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया मंगलवार को माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में। ये जो मिठाई की बात मैंने की, ये जो रुई मिठाई या गोली मिठाई या बम्बैया मिठाई जो हमारे गांव में उन दिनों बिका करती थी, मुझे बिल्कुल वो मिठाई याद आ गई कि ये हवा हवाई है, इसमें इसके इसमें कुछ है नहीं, ये दिखाने के लिए बड़ी खूबसूरत है, गोल लाल गुलाबी है, मीठी भी है, लेकिन अगर आप इसका स्वाद लेना चाहें, इसका आनंद लेना चाहें, तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ तो आनंद की बात नहीं है, यहाँ तो राहत की बात है। और इस पूरी के पूरे पैकेज में जो चीजें हैं, देखिए इसमें अगर इसको कैटेगराइज किया जाए इस पूरे पैकेज को, तो इसमें तीन पहलू हैं। एक तो जो कुटीर और छोटे लघु जो हमारे मध्यम उपक्रम हैं, उद्योग हैं, उनको एक सहायता देने का ऐलान किया गया है 3 लाख करोड़ में। और दूसरा जो हमारा रियल इस्टेट क्षेत्र है, जो निर्माण क्षेत्र है, भवन निर्माण और तमाम तरह के जो रेजिडेंशियल तमाम तरह के जो कंस्ट्रक्शंस हैं, रियल स्टेट के लिए भी इसमें ऐलान किया गया है। तीसरा जो है टैक्स रिलीफ है तरह तरह की, और उसमें मेजर यही है कि जैसे खासकर मध्य वर्ग निम्न मध्य वर्ग के लिए कि तारीखें बदल गई हैं, तारीखों में विस्तार दिया गया है कि आप बाद में भी इन चीज़ों को जमा कर सकते हैं, वैसे ही जो उपक्रम है उनको थोड़ी राहत दी गई है। अब हमारा ये कहना है कि अगर इन तीनों को कैटेगराइज किया जाए, तो पहले ही 1,70,000 करोड़ हमारी सरकार ने अनाउंस किया था, और 1,70,000 करोड़ में किसको कितना मिला उसका हिसाब आना बाकी है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए 4.5-5 लाख करोड़ का जो एक पैसा लिक्विडिटी जो एक बाजार में समाज में जो डाली गई कि भाई इससे परेशानी ज्यादा ना हो, वित्तीय असंतुलन या यूं कहा जाए कि स्थितियां खराब ना हो, एक तो वो भी था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले से तकरीबन 8 से लेकर 10 लाख करोड़, बहुत सारे और जो अनाउंसमेंट हुए थे जोड़कर, जो अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि करीब करीब 10-12 लाख करोड़ तो यही हो जाता है। अब सवाल इस बात का है कि जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है वो सब उसमें मिलाकर है, पुराने नए सब, और इसमें किसके हाथ में कितना जा रहा है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि दरअसल ये उस तरह का पैकेज है ही नहीं है जैसा दुनिया के दूसरे मुल्कों ने, यूरोप का के मुल्क हो, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या और भी कोई मुल्क हो एशिया के, किसी मुल्क में ऐसा नायाब ऐसा अनोखा पैकेज कहीं नहीं घोषित किया गया है, जहां रियायतें
और मामूली जो राहतें हैं, जैसे कि आपको ये एश्योर किया गया है कि आपको गारंटी रहेगी, आपको बैंक से लोन लेने की गारंटी रहेगी, आप अमुक समय से अमुक समय तक आप अगर नहीं जमा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए सरकार एश्योर करेगी बैंकों को कि भैया ठीक है, सरकार इनकी तरफ से ये सब करने को तैयार है, गारंटी देने को तैयार है। तो ये चीजें। अब उसमें दिलचस्प बात है कि जब मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूं तो 8 माइग्रेंट लेबर, आई मीन जो प्रवासी मजदूर हैं, 8 मध्य प्रदेश के गुना में उनकी मौत हो गई है और अनेक लोग घायल हैं। ये अपने गांव की तरफ जा रहे थे और कुचल कर मारे गए। इसी तरह से 6 लोग जो हैं उनके मौत की खबर आ रही है मुजफ्फरनगर के आसपास, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो एक शहर है वहां। तो 14 लोग, 8 और 6, 14 जो मजदूर हैं, वो तो अभी जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं उसी से कुछ ही घंटे पहले ये मौत के घाट चले गए, ये इनका इंतकाल हो गया। और अभी जो आंकड़े हैं जो गैर सरकारी हैं, जिनकी पुष्टि सरकार द्वारा की जानी है, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, तकरीबन 450 लोग इस लॉकडाउन के दरमियान अपने गांव, कस्बे, शहर जाते हुए सड़क पर बिना किसी इंतजाम के, बिना किसी ट्रेन के, बिना किसी बस के जो जा रहे थे वो मारे गए हैं। तो ये हालात है। लेकिन उन वर्कर्स के लिए जिनकी तकरीबन संख्या 11 करोड़ के आसपास, हमारे गडकरी साहब जो मंत्री हैं इस एमएसएमई की, जो लघु और छोटे और कुटीर उद्योग के, उनका आंकड़ा है कि 11 करोड़ लोग इस देश में काम करते हैं, जो तरह तरह के मजदूर हैं। तो इनके खाते में क्या गया है ये सरकार क्या बता पाएगी? कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का जो एक नया फंड है पीएम केयर फंड, उसमें से कल रात ऐलान हुआ, ऑल ऑफ सडन नोटिफिकेशन हुआ कि 1000 करोड़ उनको दिया जा रहा है। लेकिन 1000 करोड़ कल नोटिफाई किया गया, इतने दिनों के बाद 1000 करोड़ का मतलब क्या हुआ? चलो हम गडकरी साहब का आंकड़ा भूल जाते हैं और सिर्फ 10 करोड़ ही अगर मानते हैं कि 10 करोड़ एमएसएमई में काम करने वाले मजदूर हैं, तो 10 करोड़ मजदूरों के बीच में 1000 करोड़ का अगर बंटवारा आप कर दीजिए तो प्रति मजदूर कितना आता है दोस्तों? 100 रुपए। 100 रुपए, क्या 100 रुपए में एक मजदूर अपने विस्थापन को, बेरोजगारी को और फिर से बसने को, उसमें क्या हो सकता है? शायद एक दिन का भी इंतजाम नहीं होगा। तो ये हमारी सरकार है जो हमारे देश के मजदूरों के लिए, जो उत्पादन की सबसे बड़ी जो कुंजी है, जो सबसे बड़ी ताकत है, उसके लिए उन्होंने ये इंतजाम किए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जो राहत और रियायतें और इनेबलिंग जो एटमॉस्फियर, यूं कहा जाए इसको हिंदी में कि अनुकूल माहौल इंडस्ट्री को या छोटे मझोले उपक्रमों को बनाने का जो तैयार करने का इस पैकेज में इंटेंशन है सरकार का, दरअसल कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं अप्रिसिएट करता हूँ। लेकिन ये महामारी के दौरान का ऐसा पैकेज नहीं हो सकता। इसको 2014 से लेकर 2019 के दिसंबर महीने तक या इवन 2020 के जनवरी महीने तक अगर हमारी सरकार ने ऐसा पैकेज किया होता तो मैं या कोई भी कहता कि हाँ एक बहुत बढ़िया कदम है, ठीक ठाक कदम है। लेकिन महामारी एक अलग चैलेंज है। इस महामारी ने न सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी पैदा किया है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट किया है। और तीसरी बात कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनके सामने सबसे बड़ा संकट पैदा किया है। लेकिन उसके लिए ये जो पैकेज है एक नॉर्मल दिनों का पैकेज हो सकता है। अरे भाई नोटबंदी तो 2016 के नवंबर महीने में हुई, उसके बाद इस देश में एमएसएमई जो थी वो विध्वंस हो गया पूरे देश में, बहुत बुरा हाल था उनका, छोटे मझोले उद्योगों का, उपक्रमों का। उस वक्त ऐसा पैकेज अगर आता, 3 लाख करोड़ के हम कहते हैं, 5 लाख करोड़ का भी आता तो कौन नहीं उसकी तारीफ करता। लेकिन ये जो रियायतें, ये जो इनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का आज ऐलान हुआ है, मैं समझता हूं कि ये टाइम नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये भटकी हुई प्रायोरिटीज का मामला है, एक डाइवर्टेड प्रायोरिटीज का मामला है। और दिलचस्प बात है कि आज भी हमारी वित्त मंत्री, जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, इसके कुछ ही घंटे बाद थर्सडे को भी वो एड्रेस करेंगी, शायद आगे भी एड्रेस करेंगी। ऐसा लगता है कि सरकार ने प्रबंध किया है कि कोई बड़ा मंत्री, कोई महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री अब अक्सर ब्रीफिंग करता रहे, ताकि लोगों को ये लगे कि सरकार कुछ कर रही है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? हमारे अगर सड़कों का हाल आप क्या समझते हैं कि हमारे सड़कों का, हाईवेज पर और रेल की पटरियों पर मरने वाले जो मजदूर हैं, जो भारतीय हैं, जो यहीं के नागरिक हैं, क्या उनकी तस्वीरें पूरी दुनिया में नहीं जा रही हैं? क्या लोगों को मालूम नहीं हो रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, भारत कैसे कोरोना से फाइट कर रहा है? पूरी दुनिया के सामने ये तस्वीरें जा रही हैं, और ये हमें विश्वगुरु, हमें महाशक्ति बनाने के बजाय हमें ये यमन की तरफ, हमें ये सूडान की तरफ, हमें ये इथियोपिया की तरफ ले जा रही हैं। ऐसा लगता है कि हम उन मुल्कों से भी नीचे जा रहे हैं। वैसे भी भूख के मामले में हम चाहे अपने को जितनी बड़ी ताकत कहें, 117 मुल्कों की लिस्ट में दोस्तों भूख के मामले में, हंगर के मामले में जो ग्लोबल इंडेक्स है, उसमें भारत की स्थिति 102 नंबर पर है। और आपको यह भी बता दूं कि यूनिसेफ ने अभी जो आंकड़े दिए हैं, उसमें माना यह जा रहा है कि भारत में कई लाख बच्चे भूख से मर सकते हैं, मरेंगे, ऐसी आशंका व्यक्त की गई है। तो बिल्कुल अंत में चलते चलते दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि अपने देश में जो अभी हालात हैं, उसमें हमें आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन दिया गया है, आत्मनिर्भर भारत। अब मुझे नहीं समझ में आता कि मेक इन इंडिया कहां गया, आयुष्मान भारत कहां गया, स्वच्छ भारत कहां गया, विश्व गुरु भारत कहां गया, न जाने कितने स्वच्छ भारत, ये भी एक बहुत बड़ा नारा था। तो ये सारे नारे भुलाकर अब एक नया आत्मनिर्भर भारत कहा गया है। ऐसा लगता है कि इसका मतलब तो यही है कि इस देश में अमीरों को छोड़कर एक एक जो गरीब है, भैया तुम किसी सरकार, किसी प्रशासन के बारे में मत सोचो, अपनी मौत अपनी जिंदगी की रखवाली तुम स्वयं करो, अपने के लिए तुम स्वयं निर्भर बनो। शायद हमारी सरकार यही मैसेज देना चाहती है। और बिल्कुल अंत में हम चलते चलते आपको बताएं कि जो महामारी में असल बात होनी चाहिए थी, वो तीन मोर्चों पर होनी चाहिए थी, लोगों को भूख, बेहाली और बीमारी से बचाने की, दूसरा मेडिकल संरचना का प्रबंधन या निर्माण, और तीसरा अर्थव्यवस्था को संभालना। हमारी सरकार इन तीनों मोर्चों पर विफल रही है। आप बताइए, पहली बार जब प्रधानमंत्री जी आए थे राष्ट्र के नाम संबोधित करने, जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उसमें कहा था कि इस गैप, इस दौर में हम मेडिकल संरचना, यानी जो हमारी जो अस्पताल हैं, जो हमारे बेड हैं, जो हमारे तमाम और सुविधाएं जो होनी चाहिए, उनमें उनको बढ़ाएंगे। लेकिन कितना बढ़ावा दिया गया है, कितना उसका विस्तार हुआ है? क्या भारत सरकार के किसी भी मंत्री ने कोई ब्रीफिंग आज तक की है कि हाल के दौरान केंद्रीय स्तर पर कितना विस्तार किया गया है मेडिकल संरचना का? पूरे मुल्क में अगर कोई बेहतर मेडिकल प्रबंधन दिखाई देता है कोरोना से फाइट आउट करने का, तो वो एक छोटे से सूबे में है, केरल में। और वो इसलिए नहीं है कि आज जो संरचना है वो बन गई है, ये वहां पर 1957-59 के दौर से ही शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में, लैंड रिफॉर्म्स के क्षेत्र में जो काम हुआ है, केरल आज उन्हीं के बूते पूरी दुनिया में बता रहा है कि भारत का एक छोटा सा सूबा किस तरह यूरोपियन कंट्रीज के बराबरी में खड़ा है, खासकर हेल्थ केयर के लिए। तो दोस्तों, सबक जो होना चाहिए था भारत सरकार को कि गरीबी से कैसे, भूखमरी से कैसे अपने मजदूरों को बचाए, और कैसे मेडिकल संरचना का विस्तार करें, और तीसरा अर्थव्यवस्था को कैसे संभाले। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सरकार, उसका पूरा ध्यान, ऐसा लगता है मुझे कम से कम, कि ये महामारी का पैकेज न होकर जैसे लगता है कि ये बाजार और कारोबार का एक पैकेज है, जो कुल मिलाकर जो राहतें हैं वो हवाबाजी की तरह हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये हवाई मिठाई है, या यूं कहा जाए ये रुइया मिठाई है, जो भी आप इसको कह लीजिए। तो ये मुझे लगता है कि सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए, और केवल प्रचार से नहीं होगा, उपचार से होगा,
कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी जरूरत है अर्थव्यवस्था के उपचार की, लोगों के उपचार की और लोगों को भरोसा देने की। सड़कों पर जो मर रहे हैं लोग, बेहाल हो रहे हैं लोग, आप उन औरतों को देखिए जो अपने कंधे पर, अपने सर पर बच्चों को लिए पैदल चली जा रही हैं, न जाने कितने कितने सौ किलोमीटर। आप उन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों में भारत कैसा दिखाई देता है, क्या विश्वगुरु बनता भारत दिखाई देता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.